फ्रेंड्स वेलकम बैक। तो आज हम करेंगे बैक और वर्कआउट स्टार्ट करूंगा मैं डेडलिफ्ट से। तो यार मैं भूल जाता हूँ आज डे कौन सा है। मेरे ख्याल से 17 या 18 डे है मेरा ख्याल है। सॉरी फॉर दैट, मैं भूल जाता हूँ। तो मेरा ख्याल है कैलोरी डेफिसिट का असर हो रहा है मेरे पे। तो वार्म अप सेट मैंने कर लिया है डेडलिफ्ट का, 3 सेट और करूँगा इसके मैं और वो वर्किंग सेट होंगे। ग्रेजुअली वेट बढ़ाऊँगा और इसके बाद फिर हम स्टार्ट करेंगे बैक का वर्कआउट। ओके यार, ये है मेरा पहला वर्किंग सेट। लेपरेज इसमें लो ही रखूँगा मैं, 6 से 10 के दरमियान। बहुत ज़्यादा रेप्स करने की ज़रूरत नहीं है डेडलिफ्ट में और वेट बढ़ाते जाएंगे। अच्छा यार, वेट में और बढ़ा सकता हूँ, अभी बढ़ाऊँगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा क्योंकि डेफिसिट में हूँ। तो ज़्यादा मैं रिस्क नहीं लेना चाह रहा। अभी यार लास्ट सेट है, 10 kg मैंने और ऐड किया, टोटल 100 kg हो गया। तो इससे ज़्यादा भी मैं लिफ्ट कर सकता हूँ लेकिन मैं खुद ही नहीं कर रहा अभी। 6 से 8 रैप। अच्छा यार, फिर से मशीन्स बिजी हैं तो ये हम देख लेते हैं, या तो फिर पुलअप से स्टार्ट करेंगे और या कोई रोइंग मूवमेंट पहले कर लेते हैं। आज गर्मी गाइस बहुत ज़्यादा हो गई है और अभी स्टार्ट है, आगे देखिए क्या होता है। ओके यार, स्टार्ट करेंगे लिवर पुल डाउन से और एक सेट करूँगा वार्म अप का, फिर हम 3 सेट करेंगे इसके लिए। और गाइस आज भी वही अप्रोच लेके चलेंगे, मिनिमम 10-12 रेप करेंगे हर सेट में, हर गेम में, हर एक्सरसाइज में, और एक अच्छा पंप अचीव करने की कोशिश करेंगे पूरी ट्रेनिंग में, जैसे हमने कल किया था। कल का वर्कआउट बहुत मज़े का था, तो मैं चाह रहा हूँ आज भी वही पंप अचीव करें हम बैक में भी। तो ये वार्म अप सेट है पहले। तो यार आप देख सकते हैं जिम में कितनी रौनक हो गई है। आजकल लोग इवनिंग में ज्यादा आ रहे हैं और नाइट के टाइम पे कम आ रहे हैं, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है, कल नहीं ऐसे होता था। ओके यार, ये लास्ट सेट है और 10-12 रेप्स की कोशिश करूँगा मैं, मिनिमम 10 की। ओके यार, जिम में बहुत ज़्यादा रश हो गया और अभी मैंने बड़ी मुश्किल से ये जगह सेट की है। अब हम करेंगे डंबल रोज और आज इस साइड पर वैसे कह रहा हूँ कि इधर ज़रा रश कम है, इधर लोग कम है, उधर लोग काफ़ी ज़्यादा हैं।
तो डंबल रोज करेंगे और इसमें भी वही अप्रोच लेके चलेंगे। अब इसमें भी कि हमने 10-12 रेप्स करने हैं अच्छे वाले, और 10 से नीचे रेप्स नहीं जाएंगे, और एक अच्छे पंप के लिए हम इस एक्सरसाइज को भी परफॉर्म करेंगे। खाली वेट ही लिफ्ट करना, हमें पंप भी लेना है। अच्छा, गाइस गर्मी के दिनों में बैक और लेग्स, ये दो ट्रेनिंग चलना बहुत मुश्किल। तो यार ये होगा लास्ट सेट, 32.5 kg का डंबल। इससे बड़ा डंबल भी है, वो भी मैं लगा सकता हूँ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि क्वालिटी रेप्स निकले 10-12। पंप अच्छा हो गया अभी, और सेकंड एक्सरसाइज हो गई है और बहुत अच्छा पंप आ गया है। ये मज़ीद अच्छा पंप होगा जब हम आगे एक्सरसाइज करेंगे। फिटनेस की एक एक्सरसाइज और करेंगे, चेस्ट सपोर्टेड टी बार रो, और मैं वर्कआउट जल्दी ख़त्म करना चाह रहा हूँ बैक पर, क्योंकि आज मैंने कार्स की एक्सरसाइज भी बैक के साथ ही करनी है। तो मैं चाह रहा हूँ ऐप जो हैं वो हम सैटरडे वाले दिन फोरम के साथ कर लेंगे। ऐप्स आज नहीं किए जा सकते, तो एक तो ऐप्स को रेस्ट मिल जाएगा, मंडे वाले दिन हमने ऐप्स किए थे, एक तो ऐप्स को रेस्ट मिल जाएगा और दूसरा सैटरडे को मैं फ्रेश होगा, ज़्यादा स्ट्रेस भी होगा बॉडी पे, तो इजीली हम ऐप्स कर लेंगे। तो अभी कर लेते हैं टी बार, उसके बाद फिर जो है हम दो पुलिंग मोमेंट्स और कर लेंगे और बैक का वर्कआउट यहीं पर ख़त्म कर देंगे। ओके यार, टी बार रो, और आज मैं इसका दूसरा वेरिएशन करूँगा, ये जो इनर ग्रिप है इसके साथ। ओके यार, 15 रेप्स हो गए हैं और लैट्स में बहुत अच्छा पंप आ गया था। कोशिश करेंगे बाकी की एक्सरसाइज भी इस तरह करें ताकि जो हमारा पंप अचीव हम करना चाह रहे हैं वो हो जाए। तो यार ये लास्ट सेट, और वेट में बढ़ा नहीं रहा क्योंकि वेट बहुत अच्छा है, और लास्ट सेट में भी 12 रेप्स निकले थे, और इसमें भी हम 12 ही कोशिश करेंगे, इसलिए मैं वेट नहीं बढ़ा रहा। ओके गाइस, अब करेंगे प्रोग्रेस पुल डाउन, मैं करूँगा लोअर बैक के लिए, जब 3 सेट करेंगे और रेफरेंस वही 10-12 रखेंगे, पेट भी ऐड करते जाएंगे जितना पॉसिबल हो सके। एक ये पुलिंग मूवमेंट करूँगा और इसके बाद एक और पुलिंग मूवमेंट करके बैक को हम गेंद ख़त्म कर देंगे, और फिर मैं स्टार्ट कर दूँगा आपकी एक्सरसाइज। तो इंशाल्लाह 3 एक्सरसाइज करेंगे पाँच मिनट, और उसके बाद हमारे ऐप्स जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे सैटरडे से, ऐप्स का वर्कआउट।
सैटरडे वाले दिन करेंगे तो मैं इधर ही हो जाऊँगा उसमें, ये करने लगा पहला सेट वर्किंग सेट ही हो इसका। ओके यार सेकंड सेट है और वेट मैंने सिर्फ एक प्लेट ऐड किया है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 12 रेप्स अच्छे क्वालिटी 12 रेप्स की करें इसके लिए। ओके गाइस लास्ट सेट है ये, वेट सेम है, सेकंड सेट वाला ही वेट है, वेट ही मैंने बढ़ाया। अब ओके यार लास्ट मोमेंट करेंगे, पोलिंग मोमेंट है ये भी, लेकिन ग्रिप मैंने चेंज किया है, न्यूट्रल ग्रिप के साथ करेंगे और एक सेट मैंने कर लिए, दो सेट और करेंगे इसके और फिर कार स्टार्ट करेंगे। वेट बहुत हैवी नहीं मैं यूज़ कर रहा इस पर, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि 12 रैप्स अच्छे वाले निकल आए सेट में, वही एक ही बार मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ओके यार यहाँ पे बैक का वर्कआउट एंड करते हैं और मैं स्टार्ट करूँगा कार्ब्स और पहली एक्सरसाइज करेंगे हम बॉडी वेट स्टैंडिंग कार्ब रेस। और बैक में बहुत अच्छा पंप आया गाइस, और आज डेडलिफ्ट भी बहुत अच्छी लग गई है, डेडलिफ्ट में थोड़ा सा हैवी जा सकता था लेकिन मैं गया नहीं। एनीवेज नेक्स्ट टाइम सही, नेक्स्ट टाइम ऐसे कैलरीज और कम हो जाएंगी तो देखेंगे, एनर्जी लेवल्स अगर एनर्जी हुई तो हम इससे भी ज़्यादा डेडलिफ्ट पुल करने की कोशिश करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं पावर्स। ओके यार हर बार की तरह मैं इसी मशीन पे स्टैंडिंग पावर्स करता हूँ तो आज भी ऐसे करेंगे। ओके यार अब हम करेंगे सीटेड कार्ब रेज। इसकी वैसे तो मशीन होती है, डेडिकेटेड मशीन होती है इसकी अपनी, हमारे जिम में नहीं है तो लास्ट वर्कआउट में मैंने बताया था मैंने, तो ये मैंने उसके ऑल्टरनेट में इसको यूज़ करता हूँ। ओके ये अच्छा स्टिमुलेशन देती है ये मशीन भी, लेकिन जो वो डेडिकेटेड मशीन है वो चीज़ इस पर नहीं होती, लेकिन फिर भी अच्छी साइज हो जाती है इसके लिए। अच्छा यार इसके बाद मैं करना चाह रहा हूँ स्टैंडिंग स्मिथ मशीन का, और अगर स्मिथ मशीन
बिजी ना हुई तो फिर ही मैं कर सकूँगा, अगर वो बिजी हुई तो फिर कुछ और करना पड़ेगा। ओके, वेट मैंने और ऐड किया। ओके यार, आप चलेंगे स्मिथ मशीन पे, मेरा ख्याल है सही है, करते हैं चलिए। ओके यार, अब स्टैंडिंग एवरेज स्मिथ मशीन पे। कंप्लीट हो गई। ओके यार, कार्स भी कंप्लीट हो गई और बैक भी, तो यहीं पर खत्म करते हैं आज की वीडियो। मिलेंगे आपसे कल, कल करेंगे इंशाल्लाह शोल्डर्स और सिर्फ शोल्डर्स ही करेंगे। अच्छा, कल मैंने इसलिए कोई वर्कआउट नहीं ऐड किया साथ, क्योंकि शोल्डर अक्सर मेरी 7 से 8 ट्रेनिंग हो जाती है, एक्सरसाइज 7 से 8 हो जाती है, तो बड़ा लंबा वर्कआउट हो जाता है, इसलिए 7 मसल ऐड करने जा रहा हूँ। एक तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा प्रोसेस और काफ़ी टाइम टेकिंग भी हो जाएगा, तो मज़ा नहीं आएगा, तो इसलिए छोटे थोड़ी ट्रेनिंग के साथ जो उसको ऐड किए, कल हम सिर्फ शोल्डर्स करें। तो सी यू गाइस टुमारो, अल्लाह हाफ़िज़।